हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई कहाँ से की जाए और सबसे अच्छी बुक क्या होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, मैंने एक पिछले वीडियो में आपने बता दिया है आपको कि 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ, इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, जीके और इंग्लिश। ठीक है, हमारा चैनल है आरएमसी एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे नए हैं जो नहीं करते वो भी जाके मैथ के वीडियोस वहां पे काफी सारे अपलोडेड है, वो भी जो सिलेबस है ना उसी के सीक्वेंस में, उसी के हिसाब से वीडियोस अपलोड हैं। तो आप अपने मैथ का कॉन्सेप्ट और अच्छी प्रैक्टिस भी हमारे इस चैनल से कर सकते हो। ठीक है, अभी वहां सिर्फ हमारे मैथ के वीडियोस अपलोडेड हैं, कुछ टाइम बाद, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस अगर आप इस चैनल में बने रहते हो तो आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको हमारे चैनल में बने रहना है, सारे वीडियोस वगैरह देखने हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या है, एक बुक लेनी है। उस बुक का नाम क्या है, उपकार। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए उपकार की आपको बुक लेनी है। ठीक है, आप हमारे वीडियो से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ ही साथ आपको उपकार की बुक भी सॉल्व करनी है। ठीक है ना, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको बुक कौन सी लेनी है, मैंने बता दिया, बेस्ट बुक उपकार की है आपके लिए, ठीक है ना, फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल। दूसरी बात, फिर जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपने सारे टॉपिक्स तैयार कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, कम से कम लास्ट 5 ईयर, ठीक है ना, आपको आखिरी के 5 सालों के पेपर्स उठाने हैं और सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या है, प्रैक्टिस सेट। जब आपने ये लास्ट 5 ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिए, फिर आपको क्या करना है, कम से कम 20 से 25, ठीक है, देखो ये इसकी क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि आप 20 से 25 करो, लेकिन कम से कम आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आप उपकार का ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, कम से कम 20-25, फिर बच्चे इसकी क्वांटिटी आगे भी बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या एक हफ्ते में एक लगाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अभी अप्रैल चल रहा है, कम से कम अभी आपके पास 8-9 महीने हैं, कम से कम 7-8 महीने तो है ही है, तो इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना तो जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ट बुक, और स्ट्रेटजी भी थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी है कि पहले मेरे चैनल से भी आपको देखना है। मैथ्स तो आपको पूरे सीक्वेंस में मिलेगा, कम से कम मैथ के 17-18 वीडियोस वहाँ पे बेटा अपलोडेड है, अगर आप उन सारे वीडियोस को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक एक करके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, मेरे चैनल में नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो देखो आप, अगर आपको वो ठीक लगे तभी आप उसके आगे जाओ, वीडियोस देखो, है ना। लेकिन एक बार मेरे चैनल पे विजिट जरूर करना,